हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूँ RECET के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो ये पेपर है वो यहाँ पर पिछले मंथ का पेपर है। जो पिछले मंथ एग्ज़ाम हुआ था RECET का, उसमें से जो है मैं आपको आज जो है 11% सॉल्व कराने वाला हूँ। और जो है वो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो है वो 11 के 11 क्वेश्चन जो है रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। तो आप इन 11 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो है पिछले एग्जाम से जो है RECET में रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप उनको जो अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वो जो है इस बार RECET एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुछ पेपर जो है आपके इस प्रकार से आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, इसी तरह की RECET के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए और पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप RECET के मॉडल पेपर पुराने जो है आपको पेपर चाहिए RECET के, या फिर आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप विजिट कीजिए rklet.in को। इस वेबसाइट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको जो है यहाँ पर RECET मॉडल पेपर और जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी विजिट कीजिए rklet.in को। तो दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाला हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो दोस्तों, आप जो है इधर देखिए इंग्लिश मीडियम का सेक्शन दिख रहा है और इधर हिंदी मीडियम का सेक्शन दिख रहा है। मैं आपको साथ में जो है पूरा हिंदी बोलने वाला हूँ, और आप जो है इंग्लिश मीडियम से दोस्तों, आप इंग्लिश मीडियम से ऐसे आप देख सकते हो, ओके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कीबोर्ड, सी लिनक्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये जो है पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है। यानी कीबोर्ड जो होता है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। और ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कीबोर्ड क्या होता है मैं आपको बता दूँ। कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। अगर आपको आ जाए कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके RECET एग्जाम में बन सकता है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, ओके। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। यानी आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है और कौन सा सही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपसे ऑप्शन से ए कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है, ये एकदम सही है। दूसरा कैश मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है, ये भी एकदम सही है। तीसरा है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, ठीक है। और नीचे वाला भी सही है, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी भी होती है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, ये जो है कथन गलत है, ओके ओके। तो चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पी रोम, बी ईपी रोम, सी दोनों ए वे बी विकल्प, दी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो यहाँ पर रैम होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको कोई भी रैम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह डी, यानी इनमें से विकल्प कोई भी सही नहीं है। यानी ईपी रोम जो होती है वो होती नहीं है, अब वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, ठीक है। आपको इसी बात पर ध्यान रखना है। RECET एग्जाम में जो है बहुत क्वेश्चन जो है हटके भी आते हैं, जैसे इस प्रकार से आया हुआ है दोस्तों। आप जो RECET पेपर को जो है ध्यान से कीजिए, आपके पास 1 घंटा होता है, आप जो है सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों बहुत से विद्यार्थी नहीं को नहीं देखते हैं, सीधे देख लेते हैं मॉनिटर का जो है उदाहरण कौन सा होता है, वह सीधे देखिए CRT पता है मॉनिटर का उदाहरण होता है, तो सीधे वही क्लिक कर देते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जैसे इसके अंदर दिया गया है मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, तो आपके सामने ऑप्शन से ए CRT, बी फ्लैट पैनल, सी LCD, डी लेजर जेट। तो दोस्तों देखिए ये जो है CRT आपको मॉनिटर होता ही, आपको पता है फ्लैट पैनल भी होता है और LCD भी होता है, लेकिन लेजर जेट जो है वो यहाँ पे मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जिगर डी लेजर जेट, ओके। तो 5वां क्वेश्चन है, देखिए विंडो 10 में ब्लैंक एक आवाज़ संचालन निजी सहायक है। देखिए आपके ऑप्शन से ए कोर्टाना, बी टास्क बार, सी माइक्रोसॉफ्ट एज, डी विंडो स्टोर। तो दोस्तों जो है कोर्टाना होते हैं वो विंडो 10 के अंदर जो है एक आवाज़ संचालन निजी सहायक होता है, ठीक है। टास्क बार होती है वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है नीचे साइड होती है, वो यहाँ पे टास्क बार होती है। टास्क बार भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है।
और छः नंबर क्वेश्चन है, छः नंबर जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होता रहता है आपको फंसाने के लिए, जो है हर बार जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फाइल सर आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। देखिए डी, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डी ड्राइव का नाम है, जो सबसे पहले होता है वो ड्राइव का नाम होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सी आ गया, तो सी जो है ड्राइव का नाम हो गया। उसके बाद है वी एम यू, ठीक है, यानी डी के बाद जो है वी एम यू खुला गया है, यानी कि वी एम यू का जो सब फोल्डर है वो आर ए सी आई टी, जैसे आप देख रहे हो वी एम यू का जो सब फोल्डर है वो आर ए सी आई टी है। ठीक है, और डी ऑप्शन देख रहे हो आप एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो नीचे प्लस वाला जो है वो फाइल एक्सटेंशन होता है, और सी ऑप्शन है आपका आर सी आई टी का सब फोल्डर वी एम यू है। दोस्तों यही जो क्वेश्चन आपके फंसाता है, देखिए लिखा हुआ है आर सी आई टी का जो है सब फोल्डर वी एम यू है, ये एकदम गलत है। वी एम यू जो है वो आर सी आई टी का सब फोल्डर है, ये एकदम सही है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आता है, इस बार भी आने के पूरे पूरे चार्ज 100% ऐसे प्रकार से जो एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा। ओके, अगर दोस्तों आपका किसी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन में डाउट है, तो दोस्तों आप जाइए 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए, तुरंत ही जो उसका आंसर है वो आपको वीडियो सीरीज के साथ मिल जाएगा। आप यहाँ पर मैथ की तैयारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जेई मेंस जेई एडवांस तक कर सकते हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री में कर लेना। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हो तो उस फोल्डर को डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। दोस्तों जैसे आपके प्रैक्टिकल किया हुआ है, दोस्तों जैसे आप कोई नया फोल्डर बनाते हो तो आपको पता होगा कि फोल्डर का जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्या नाम आता है आपको बताना है। जैसे यहाँ पे है माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर या विंडोज फोल्डर, तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों वो जो है न्यू फोल्डर आ जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई न्यू फोल्डर बनाते हैं तो अपने आप ही जो ऑटोमेटिक वहाँ लिखा आ जाता है न्यू फोल्डर। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, देखिए एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए कोई हम वेबसाइट खोलते हैं, किसी भी वेबसाइट जैसे कि वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ सबसे पहले क्या खुलता है। देखिए हाउस पेज खुलता है, होम पेज खुलता है, या PDA खुलता है, या वायरस खुलता है। तो दोस्तों देखिए जैसे हम कोई खेलते जैसे हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमको होम पेज ही दिखाई देता है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट है उसका हमको सबसे पहले होम पेज दिखाई देता है, फिर वहाँ पे जो है बहुत सी अपडेट दिखाई देती है, फिर हम वहाँ क्लिक करते हैं तो अगला वाला पेज दिखाई देता है, तो सबसे पहले जो है होम पेज ही खुलता है। ओके, तो दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ ही एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ईमेल के आधारित है, तो ईमेल पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको जो है 25 MB से अधिक आकार की जो है आपको यहाँ भेजनी है कोई फाइल, तो दोस्तों आप जो है गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करें, वहाँ से सीधी लिंक बन जाएगी और लिंक बन के जो है 25 MB से आप कितनी भी MB की बना सकते हो, ड्राइव पर 100 MB की बनाओ या फिर 1 GB की बनाओ, आप गूगल ड्राइव लिंक पर जो है क्लिक करके बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। देखिए आपको बताना है कि ऑनलाइन बैंकिंग का जो लाभ नहीं होता है, ठीक है, होता है नहीं आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है आप इसे किसी भी समय देखिए उपयोग कर सकते हैं, ये तो लाभ होता है कि देखिए बहुत से कहते हैं ATM जो है यहाँ पर जो है 24x7 खुले ही रहते हैं, आप किसी भी समय जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, ये एकदम सही है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी एकदम सही बात है। ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थापित करता है, ये भी एकदम सही बात है। और ये आगे लिखा हुआ है आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, नहीं आप इसके अंदर सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 11। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 11 क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, और आगे के क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आप जो है अगला पार्ट भी देख सकें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ वो 100% ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। पिछली बार भी जो है लगभग 35 के 35 क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो के द्वारा ही आए थे। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, देखिए निम्न नीचे दिए गए तालिका के सही मिलान विकल्प का चयन करना है आपको। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कॉलम का क्या अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला ही क्रोम, आपको बताना है क्रोम का जो है सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों क्रोम का जो यहाँ पर सही होता हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक वेब ब्राउजर है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसको जोड़ना था। ठीक है, यानी कि पहले को क्यू से जोड़ना था, और दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है OTP, यानी आपको बताना है कि OTP क्या होता है। दोस्तों सभी को पता होगा OTP क्या होता है, OTP फुल फॉर्म भी यहाँ पे आ जाती है कभी कभी,
ठीक है। तो OTP फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, OTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वैसे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ये, यानी कि ये ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणिकता है, ओके। यानी इसमें जो है सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है OTP के अंदर। तीसरा है भीम, भीम आपको बताना है भीम क्या होता है। दोस्तों भीम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, यानी पेटीएम हो गया, वही जो है इस प्रकार से भीम भी है, ओके। और लास्ट वाला जो है वो इससे इसके साथ कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, यानी कि जो है www.amazon.in क्या है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, ठीक है। आपको तीन जो ऐसे ही मिलान करना है, चौथा अपने आप जो आपके साथ करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डी लिखा हुआ, डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RECIT के, जो मैंने आपको पिछले मंथ के जो पेपर का जो है उसके 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन सॉल्व है मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को प्रेस कर लेना। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, जो है एकदम फ्री है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 11 में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर आते थे और आपकी तैयारी किस प्रकार से। अगर दोस्तों आपको और भी लेटेस्ट अपडेट चाहनी है तो दोस्तों मेरे दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं RECIT के, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको एक ग्रुप फुल दिखता है तो दोस्तों दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी जो मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।